यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ चल रहे मुकदमों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 2 हफ्तों के लिए टल गई है। पंजाब की रोपड़ जेल में कैद मुख्तार के बारे में विस्तृत हलफनामा देने के लिए पंजाब सरकार ने 2 हफ्तों की मोहलत मांगी है। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर यानी कहें तो माफिया मुख्तार अंसारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब ये सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टल गई है, क्योंकि पंजाब सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देने के लिए उन्हें 2 हफ्ते का वक्त और चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को 2 हफ्ते का वक्त तो दे दिया, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि अपने हलफनामे में पंजाब सरकार उनके खिलाफ लगे मामलों की और जानकारियां और स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करे, साथ ही उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी दाखिल करे कि आखिर उनकी स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची है ये कहने को कि या तो मुख्तार अंसारी को यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए यूपी की जेल में, क्योंकि यहाँ भी उनके खिलाफ मुकदमे हैं और गंभीर अपराधों के मुकदमे हैं जिन पर सुनवाई डिले हो रही है, या फिर वहाँ से सारी फाइलें पंजाब के मुकदमों की फाइलें यहाँ शिफ्ट कर दी जाएं। तो ऐसे में या तो मुख्तार अंसारी शिफ्ट हो या सारे मुकदमे शिफ्ट हो जाएं ताकि सुनवाई एक ही जगह चल सके। फिलहाल इस मामले में अब 2 हफ्ते का वक्त तो पंजाब सरकार ने मांग लिया है, अब इसके बाद ही सुनवाई आगे होगी, यानी अब या तो सुनवाई जनवरी के आखिर में होगी या फरवरी के पहले हफ्ते में।